और भाइयों कैसे हो। एक बहुत ही बढ़िया नए एपिसोड में एक नए कीबोर्ड के साथ हम हो गए हाजिर। ये जो कीबोर्ड है ये रेड गियर की तरफ से आ रहा है, MT-02। अभी जस्ट एक दिन पहले ये लॉन्च हुआ है वैलेंटाइंस डे के दिन। लाल लाल सा कीबोर्ड है, देख लो वैलेंटाइन वाला स्पेशल। एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, रेड गियर की जो थीम ही है वो रेड ब्लैक में है। और मैं इसको काफी दिनों से फॉलो कर रहा था। आप पूछोगे कि मेरे हाथ में कैसे लगा ये कीबोर्ड, क्योंकि ये तो अभी जस्ट रिलीज हुआ है एक दिन पहले। तो हुआ ये कि मैं देख रहा था कि ये लॉन्च होने वाला था, मैं सोच रहा था कि अमेज़न से मंगाऊंगा, लेकिन मैं दो दिन पहले जब रिलीज नहीं हुआ था तभी अमेज़न में सर्च किया तो वहीं पे मुझे ये कीबोर्ड देखने को मिल गया 2000 रुपये में। मैंने तुरंत ऑर्डर किया, एक ही पीस बचा हुआ था रिलीज से पहले। मतलब ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट वही है MT-02। आप साफ साफ देख सकते हैं, अंदर भी मैं ये बता दूंगा कि जो प्रोडक्ट है वो सेम है। आई गेस ये शायद इन्फ्लुएंसर के लिए रखा होगा कोई, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया, किस्मत मेरी थी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा। तो यहाँ पे जो रिव्यू होने वाला है वो टोटल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, एकदम बेबाक बताऊंगा। और जो रेट अभी का है इस कीबोर्ड का वो 2000 रुपये नहीं है, 899 पे इन्होंने लॉन्च किया। तो 899 के हिसाब से ये कीबोर्ड कैसा ठहरता है तो ये चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बॉक्स पैकेजिंग से। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स पैकेजिंग है वो जैसे कि मैंने बताया कि रेड और ब्लैक में देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको बड़े बड़े में MT-02 देखने को मिल रहा होगा। पीछे जो है यहाँ पे इसके फीचर्स और इसका जो यूजर मैनुअल आई गेस अंदर नहीं होगा, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि यूजर मैनुअल नहीं दे रही है कंपनी। तो वो सब जो डायरेक्शंस हैं, जो भी इसके वैल्यूज हैं, वो सब लिखे हुए हैं। सामने भी थोड़े बहुत इसके जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अभी चलिए शुरू करते हैं बॉक्स को अनपैक करने से। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के साथ जो चीजें आ रही हैं उसमें सबसे पहली जो चीज है वो देखने को मिल जाती है, एक डायल नॉब। दोस्तों हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायल नॉब देखने को मिल रहा है कीबोर्ड के साथ। और कीबोर्ड जो है उसमें उसके साथ कोई भी यूजर मैनुअल जैसे कि मैंने गेस किया था वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पैकेजिंग के अंदर सिर्फ दो ही चीजें देखने को मिल रही है, कीबोर्ड और एक डायल नॉब। हाँ तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों इस कीबोर्ड में जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है वो बहुत ही प्रीमियम मिल रही है, इन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर गोइंग टू पे। 899 इज द प्राइस वेर यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ कीबोर्ड। इसमें आपको मेटल पार्ट्स तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट जो स्क्रूज लगे हैं इसमें, लेकिन जो फिनिशिंग है आपको यहाँ पे ब्रश मेटल फिनिशिंग दी गई है प्लास्टिक। जब तक आप इसको हाथ में नहीं लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो लेकिन प्लास्टिक लगा है उस प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीछे अगर देखें कि इसका जो बैक पैनल है वो भी अगेन मैट फिनिश में जो प्लास्टिक होती है वही लगी हुई है। इसके अगर बात करें कीज की, तो दोस्तों ये जो की कैप्स है ये भी डबल इंजेक्टेड की कैप्स है, जिसका मतलब कि आपका जो प्रिंटेड है इसमें वो अंदर से ग्लो करेगा और आपको एक इवन जो है कलर देखने को मिलेगा। और थ्रू आउट आपका यूसेज, आप जितने दिन भी इसको यूज करते हो, इसका जो की पे प्रिंट है वो कभी भी स्मज नहीं होगा, वो कभी भी छूटेगा नहीं। बात करें अगर इसके जो लाइफ स्पैन है, तो ये कीज की जो लाइफ स्पैन है वो 10 मिलियन लाइफ स्ट्रोक कंपनी दावा कर रही है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कीज काफी चलने वाली है। हालांकि मुझे इस कीबोर्ड में कुछ एक जगह है जहां पे मुझे थोड़ा सा कंप्लेन है, जैसे कि इसके जो कुछ कीज है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो की है इस की का जो फिनिशिंग है आप एजेस पे देखोगे तो उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि 899,000 रुपये के अंदर अगर कोई कीबोर्ड बना के दे रहा है तो वो जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में क्वालिटी कंट्रोल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कंसिडरिंग कि आप कितना पे कर रहे हैं। लेकिन इस रेड गियर कंपनी का इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा USP जो था, मतलब उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ जो हाईलाइट की थी वो एक नॉब था। ये जो नॉब है ये काफ़ी सारी इसकी फंक्शनलिटी है, मेजर दो फंक्शनलिटी है जिसको हम आगे में देखेंगे। और कंपनी ने इसके साथ एक रिप्लेसेबल ब्लैक कलर का जो है नॉब भी इसमें दिया हुआ है, जो कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो केबल दिया गया है उसकी क्या क्वालिटी है। केबल भी ओके है, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा कि 2000-2500 का जो कीबोर्ड आता है उसके बराबर नहीं है, लेकिन डिसेंट एनफ है कि आपकी गेमिंग बहुत बढ़िया करा देगा। यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ये नाइलॉन ब्रेडेड नहीं है, कॉटन ब्रेडेड नहीं है, ये PVC केबल आपको मिल जाता है, जिसका एक एडवांटेज पॉइंट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी जो बॉबलिंग की समस्या है उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर USB की बात कर लेते हैं तो सिल्वर प्लेटेड USB है, गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलती है यहाँ पे। साथ ही इस कीबोर्ड में जो की स्विच सिस्टम का यूज हुआ है वो है रबर डोम या फिर मेम्ब्रेन की स्विच सिस्टम है, जो कि मैकेनिकल स्विच के लेआउट को फॉलो करता है। और ये जो स्विचेस हैं ये काफी ड्यूरेबल भी लग रही हैं, क्योंकि कंपनी इन कीज के ऊपर 10 मिलियन की स्ट्रोक लाइफ स्पैन का दावा भी कर रही है।
साथ ही कीबोर्ड के बैक साइड में प्लास्टिक के एक्सटेंडेड फुट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड के डायमेंशन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये कीबोर्ड जो है 437x140x35 सेंटीमीटर का आ जाता है और जो वेट है ये 711 ग्राम का है, जो कि इसे काफी लाइट वेट है कीबोर्ड बना देता है। और साथ ही ये जो कीबोर्ड है ये अगेन विंडोज प्लस मैक दोनों ही ओएस के साथ कंपेटेबल होने वाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड के फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा फीचर निकल के आ रहा है वो है इसकी बैकलाइटिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकलाइट्स ऑप्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिलेगा 3 बैकलाइट ऑप्शन, जो कि 1000 रुपए के अंदर आने वाले किसी कीबोर्ड में मैंने फर्स्ट टाइम दिखा है कि 3 लाइटिंग मोड्स ये दे रहे हैं। उसके लिए डेडिकेटेड बटन है, यहाँ पे लाइटिंग का एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके आप 3 अलग अलग लाइटिंग मोड या फिर एलईडी लाइट को स्विच ऑफ भी कर सकते हो। उसके ऊपर आपको मिलता है एक नॉब जो कि एक्चुअली मेटल नॉब जैसा दिखता है, लेकिन है ये प्लास्टिक का ही मेटल कोटेड है, जिसको अगेन आप प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको बॉक्स के साथ ही ब्लैक कलर का एक नॉब भी दिया गया है, जो कि एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा जाता है अगर आपका सेटअप डार्क कलर का है तो, वरना ये जो क्रोम फिनिश वाला नॉब है ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। सबसे बड़ी बात, ये जो नॉब है ये काफ़ी सारे वर्सेटाइल फंक्शन प्रोवाइड करता है आपके जो पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, जहां भी आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो। किसी भी डिस्प्ले यूनिट से आप इसको कनेक्ट करो, आप दो काम इससे कर सकते हो। एक तो इससे आप अपने डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा आप जो मीडिया सुन रहे हो उसका वॉल्यूम को कंट्रोल भी इस नॉब से आप कर सकते हो। साथ ही ये जो कीबोर्ड है इसका जो रिजिडिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन फिर भी इसमें जो है काफ़ी रिजिड ये कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम देखने को मिल जाती है। तो जो दोस्त हमारे गेमिंग के दौरान काफ़ी एग्रेसिव होकर खेलने लग जाते हैं, उनके लिए भी ये कीबोर्ड काफ़ी दिनों तक टिकने वाला है। अभी ये कीबोर्ड मुझे जहां तक अभी यूज़ करके समझ में आया, ये फर्स्ट इंप्रेशन मैं कहूंगा, एक महीने से तो मैं टेस्टिंग करके नहीं बना रहा हूं। जनरली जो मैं करता हूं हर कीबोर्ड के साथ, तो अगर आपका डिमांड रहा तो बिल्कुल इसका एक कंपैरिजन वीडियो बना देंगे 800 रुपये के अंदर। और भी कॉस्मिक बाइट के भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी 1000 रुपये के अंदर जितने भी कीबोर्ड्स देखे हैं गेमिंग वाले, उनमें इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी लगी। फीचर वाइज भी एनरिच जरूर है ये कीबोर्ड कंपेरेटिवली दूसरे, तभी तो नया है, तभी तो दूसरों से अलग है, तभी तो कंपनी को आगे बढ़ के रहना पड़ेगा, कभी कंपटीशन में टिके रह पाएंगे। बात कर लेते हैं अगले फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो की कैप्स का जो आउटले है वो अगेन बहुत ही एर्गोनॉमिक देखने को मिल जाता है, फ्लोटिंग की कैप्स मिल जाता है। और साथ ही इसको जो टाइपिंग करेंगे तो जो फॉरवर्ड पोजिशन के कीज हैं वो काफ़ी अपवर्ड टाइप के दिखते हैं, और जो बीच का है, बीच एरिया है, वो डेप्थ में है, तो काफ़ी एर्गोनॉमिकली डिजाइन भी है कीबोर्ड। साथ ही दोस्तों इस कीबोर्ड में 12 हॉट कीज, मल्टीमीडिया हॉट कीज भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है किसी भी कीबोर्ड में। अब बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है ये आ जाता है विंडोज लॉक बटन फीचर के साथ। तो आप जब गेम कर रहे होगे तो किसी भी तरीके का मिस्टेकनली विंडोज प्रेस होने से गेम मिनिमाइज नहीं होने वाला है। बात कर ले अगले फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पर इस कीबोर्ड में एंटी घोस्टिंग फीचर भी देखने को मिल जाती है, जो बेसिक गेमिंग स्टैंडर्ड होता है 19 जो कीज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उन कीज के ऊपर आपको ऑब्वियसली एंटी घोस्टिंग मिलने वाला है। फुल एंटी घोस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो कीबोर्ड्स अलग आती हैं, लेकिन जो 1000 के अंदर जो कीबोर्ड्स आती हैं उनमें जनरली इतने ही कीज पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं WASD, इन पे ही जो है एंटी घोस्टिंग आपको मिलता है। ये 19 कीज आपका इसमें कवर हो जाएगा एंटी घोस्टिंग के अंदर। आप यहाँ पे जो है इस कीबोर्ड के आप लाइटिंग को भी बहुत इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप इसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। और साथ ही जो है इस कीबोर्ड की जो साउंड क्वालिटी है वो भी डिसेंट ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेटल प्लेट तो है ही नहीं इसमें, प्लास्टिक के ऊपर जो है वो साउंड मिलेगा। आइए चलिए दिखा देता हूँ आपको इस कीबोर्ड का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। दोस्तों कुल मिलाकर ये जो रेडगियर का MT-02 कीबोर्ड है ये आपको मिल जाएगा 899 के ऊपर Amazon में, और साथ ही ये आ जाता है 1 साल की वारंटी के साथ। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये MT-02 रेडगियर का कीबोर्ड कैसा लगा। वैसे ये जो कीबोर्ड का रिव्यू था ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, पहली कोशिश थी इस तरह का रिव्यू बनाने का, क्योंकि हम जो है जनरली 1-2 महीने लगाते हैं किसी कीबोर्ड के रिलीज होने के बाद, उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह शूटिंग में टाइम लगता है हाई क्वालिटी वीडियो आपको पहुंचाने के लिए। लेकिन हमने ये पहली बार कोशिश किया कि प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में अवेलेबल होता है हम आपका उस प्रोडक्ट का रिव्यू आप तक पहुंचा दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिए और साथ ही हमें आपके अपनों से मिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व खास गैजेट्स के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना और अपने गैजेट का ख्याल। हैप्पी गैजेटिंग।